खम्बा घी आप सबको कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और आज के सेशन में हम करने वाले हैं किसान आंदोलन राजस्थान के अंदर उसके ऊपर एम जो कि आपको आपके सीई टी एग्जाम आर एस एग्जाम आर पी एस सी सेकेंड ग्रेड एग्जाम एज वेल एज़ जो भी आपके आर ओ ई ओ का एग्जाम है सबके अंदर यूजफुल होने वाले हैं ठीक है और अगर टाइम अलाउ करेगा तो हम नेक्स्ट टॉपिक यानी फ्रीडम स्ट्रगल राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम पर भी एम आज ही कर लेंगे ठीक है इसके साथ साथ आ, इसके साथ साथ जो आप लोगों की रिकमेंडेशंस कल आई थी मारवाड़ डायनेस्टी के ऊपर आपको एमसीक्यूज चाहिए जिनके ऊपर वो मैंने नोट डाउन कर लिया और उनके ऊपर काम चल रहा है एक दो दिन में उसके ऊपर भी आपको एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए खम्मा घनी सबको मेरी तरफ से आई होप आप सब बहुत अच्छे हो अपना ख्याल रख रहे हो सब लोग क्योंकि सीजन थोड़ा सा ऐसा है ना खम्मा घनी खम्मा घनी सबको हाँ जी हाँ जी रेगुलर होती है क्लास डेली इसी टाइम पे क्लास रेगुलर होती है ठीक है आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना मुझे लग रहा है आप सबके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा ठीक है तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं ठीक है किसान आंदोलन पहला क्वेश्चन आज का हमारा है आज हम ग्रीन कलर लेंगे ठीक है राम 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 राम, राम सबको मेरी तरफ से तो चले आज पानी भी नहीं है पास पानी नहीं लेकर आई चले कोई बात नहीं राजस्थान के किस क्षेत्र में किसान राजस्थान के अंदर जितने भी किसान आंदोलन हुए तो मुख्यतः किसान आंदोलन शुरू करने की पहल कौन से क्षेत्र से हुई ये क्वेश्चन पूछा गया है सीकर से अलवर से मेवाड़ से या फिर मारवाड़ से तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन सबको आता होगा क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन है बताइएगा इसका क्या आंसर होगा राधे राधे हाँ जी रीट मेंस के लिए बिल्कुल ठीक है बच्चे क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री हमें करनी है राजस्थान हिस्ट्री में राजवंश हमको करने हैं और किसान आंदोलन तो आएगा ही ठीक है रीट मेंस के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरी नहीं जरूरत नहीं है आप सबको ठीक है एल डी हाईकोर्ट के लिए राजस्थान का भूगोल वो क्लासेस आपको यूट्यूब पे आप देखोगे मिल जाएगी अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पे फ्री क्लासेस प्लस क्लासेस में आपको लाजमी हंड्रेड परसेंट देखने को मिलेंगी ठीक है तो इस क्वेश्चन का आंसर बी दे दिया है मेवाड़ मेवाड़ी दिया ना अलवर तो नहीं बी नहीं आएगा बच्चे हाँ एल के लिए भी है राजस्थान जी के सब में आते है क्यों परेशान हो रहे हो ठीक है राजस्थान के किसान आंदोलन मुझे एक पेपर बता दो जिसमें ना हो टॉपिक के अंदर सीटीओ टी हो आर ए एस हो एल हो हाईकोर्ट हो रीट हो या फिर आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आर ओ आर एस हर एग्जाम में आएंगे ना मैं यहाँ पे वही टॉपिक लेकर आती हूँ जो आरपीएससी पी आर एस एम एम बी में आपके सभी एग्जाम में काम आएगा तो किसी को भी बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ठीक है आप लोग सिलेबस लेके उससे मैच भी कर सकते हो ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सही आंसर दे दिया है इसका आंसर हमारा हो जाएगा मेवाड़ ठीक है तो चले कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन से मुख्यतः सारे किसान आंदोलनों की राजस्थान में शुरुआत मानी जाती है बिजोलिया किसान आंदोलन अठारह में शुरू हुआ 1941 तक चला सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है कितने वर्ष चला 44 वर्ष चला ठीक है कितने वर्ष चला चवालीस वर्ष इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कब स्टार्ट हुआ जब स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वो अठारह है उसी में ये शुरू हुआ था भारत का जो है सबसे ज्यादा संगठित अहिंसक व्यापक सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन है कौन सी जाति के किसानों द्वारा किया गया था यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो इतने चवालीस साल तक जो लोग आंदोलन को खींच के ले गए इतना लंबा जो बिल्कुल भी नहीं रुके जब तक उनके डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो वो कोई धाकड़ किसान ही होंगे तो उससे याद कर लीजिए बिजोलिया किसान आंदोलन जो है धाकड़ जाति के किसानों द्वारा किया गया था ठीक है तो ये सारे पॉइंट आई होप सबको क्लियर है ठीक है हेलो सुरेंद्र गुड मॉर्निंग पूजा पूजा आज लाइव है वरना क्लास डेली बाद में देखते हो है ना और कमेंट में रिप्लाई करते हो मैं देखती हूँ आपको हाँ ठीक है चले तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर उधर चला गया ये अगला क्वेश्चन क्वेश्चन आ गया। ये थोड़ा सा तो सागरमल गोपा राम नारायण चौधरी और रूपा जी बताइए इसमें क्या आंसर आएगा और आज ये जो स्लाइड हिल रही है ये भी हम अपडेट ठीक करवाते हैं इसको भी हेलो सुरेंद्र जोधपुर से नमस्ते सबको इसका आंसर आ गया है मुझे लग रहा है और सही आंसर दिया है कहीं ना कहीं अशोक परमार देखिए अशोक परमार अगर वाक्य में देखा जाए तो क्या बिजोलिया किसान आंदोलन उनके द्वारा शुरू किया गया था आंसर इज नो ठीक है लेकिन जब एमसीक्यूज इस तरह के हो कि हमें ऑप्शंस में समझ ही नहीं आ रहा क्या आंसर करना है तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके पहले पन्ने पे लिखा होता है चारों विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर मानव करें ठीक है तो सागरमल गोपा जी तो जैसलमर से संबंधित है बिजोलिया किसान आंदोलन में नहीं आएंगे राम नारायण चौधरी जी भी बेंगू आंदोलन से संबंधित है रूपा जी भी किसान आंदोलन दूसरे किसान आंदोलन में शहीद हुए ठीक है तो प्रणेता का मतलब होता है जिसने स्टार्ट किया तो यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी दे दिया एक्चुअल में प्रणेता अशोक परमार भी नहीं है बिजोलिया जो जागीर थी ना उसके प्रणेता आप बोल सकते हो जागीरदार थे थे तो कुछ ना कुछ तो संबंध है बिजोलिया से इसीलिए हमें बेस्ट आंसर के रूप में बच्चों यही आंसर देके आना होगा इसमें कुछ-कुछ क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन आपको हर पेपर में ऐसे मिलेंगे और हमें इन्हें हैंडल करना आना चाहिए ठीक है तो यहां पे आंसर हो जाएगा अशोक परमार और यही क्वेश्चन मैं आपको आगे दिखाऊंगी जब ऑप्शंस कुछ और होंगे और तब हमारा आंसर चेंज हो जाएगा क्लियर है सबको आई होप यहाँ तक क्लियर है प्रणेता क्यों माना पता नहीं आरपीएससी ने ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया और हमें बजाय कि हम छोड़ के आए तो बेस्ट आंसर इसमें दे के आ गए आरपीएससी ने भी एक ही आंसर माना है ठीक है तो इसलिए हम इसको याद कर रहे हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कभी दोबारा रिपीट हो गया तो हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें कि हम गलत करके आए ठीक है तो आई होप सबको क्लियर है देखे बिजोलिया वर्तमान में कहा पड़ता है भिलवाड़ा जिले में पड़ता है इसे ऊपरमाल की जागीर गांव कहा कहा जाता था उपरमाल क्षेत्र में यह पड़ता है इस जागीर के संस्थापक थे अशोक परमार ठीक है अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी वे में थोड़ा घुमा के दिया है एग्जैक्ट नहीं दिया है बट ठीक है हमें याद तो करना है ना तो इस जागीर का संस्थापक था अशोक परमार जो पंद्रह में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ने गया था तो यह भी याद होना चाहिए क्या पता अगली बार क्वेश्चन अशोक परमार के में ही पूछ लें कि कौन था अशोक परमार ठीक है अगर वाक्य में प्रणेता और नेतृत्व की बात की जाए बिजोलिया आंदोलन के तो वो साधु सीताराम आएंगे ब्रह्मदास जी आएंगे आएंगे चारण जो कि हम आगे पढ़ेंगे ठीक है नानाजी पटेल ठाकरी पटेल एक्चुअल में प्रणेता में ये नाम आएंगे ठीक है तो यहां पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है ताकि आपके माइंड मेकअप हो क्वेश्चन इस तरह से आए तो हमें आंसर क्या दे करके आना है ठीक है यहां तक क्लियर है सबको यहाँ तक क्लियर है तो एक थम्सअप देके रिप्लाई कर दो थर्ड ग्रेड मेंस के लिए लक्ष्य की बुक अच्छी है क्या लक्ष्य की बुक बहुत अच्छी है अगर आप लक्ष्य की बुक कर लेते हो तो आपका राजस्थान जीके बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे ठीक है है लक्ष्य की बुक काफी अच्छी है, आप लोग फॉलो कर सकते हो ठीक है तो उसके बाद यहाँ पे नाम दिए गए हैं उन सभी व्यक्तियों के जो बिजोलिया आंदोलन से जुड़े रहे हैं साधु सीताराम फतेहकरण चारण ब्रह्मदेव जी विजय सिंह पथिक जिन्होंने उन्नीस में एंट्री ली माणिक्यलाल वर्मा जमुना लाल बजाज उपाध्याय और राम चौधरी राम चौधरी बहुत लेट आए इसलिए हमने इस ऑप्शन को नहीं चुना प्रणेता के रूप में क्लियर सब है सबको दे चले अगला तो मतलब आपको देख करके आंसर देना है साधु सीताराम दास भोगीलाल पांड्या हिरालाल शास्त्री या फिर नारायण व्यास वो टाइम के साथ पूछ रहे कि उस टाइम पीरियड में किसने नेतृत्व प्रदान किया ठीक है हेलो अनूप गुड मॉर्निंग दो भाग ले आए दूसरा भाग लेना है एक ले आए बहुत अच्छी बुक है और तौर में उसमें जो लाइंस बोल्ड में मिलती है ना उनको मिस मत करना वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार आते हैं एग्जाम ठीक है तो चले इसका आंसर आ गया है कुछ ए दे रहे हैं कुछ सी दे रहे हैं तो चलिए चेक कर लेते हैं इसका एग्जैक्ट आंसर है साधु सीताराम दास जी ठीक है और इन्हीं की अध्यक्षता में 1916 सो में क्या बनाया गया था किसान पंच बोर्ड बना था और 1916 सो तक साधु सीताराम जी के कहने पर बिजोलिया आंदोलन में कौन आ चुके थे विजय सिंह पथिक जी ठीक है और वो इसको नए लेवल पे लेकर के गए 1917 में मन्ना पटेल की अध्यक्षता में क्या बनाया गया उपरमाल पंच बोर्ड यहाँ पे बनाया गया बिजोलिया किसान आंदोलन में ठीक है तो आई होप ये क्लियर होगा चले साधु सीताराम जी किस आंदोलन से संबंधित है अब ये तो बच्चा क्वेश्चन है फॉरन से पहले इसका आंसर आ जाना चाहिए देखो कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में ठीक है सिख एक मिनट लर्नर्स एक सेकेंड आ गया एक मिनट लर्नर्स कुछ तार वाल हिल गई है शायद से अभी ठीक है सॉरी बच्चों सॉरी मेरे ही मिस्टेक हो गया अभी ठीक है पता नहीं कैमरा हिल गया था इसका और इस वजह से स्क्रीन चली गई थी अभी फाइन है सब ओके है जल्दी से आंसर कर दो सॉरी आपको बताया था ना मैंने आपकी मैडम के साथ झंडू बाम बहुत होते हैं तो ये उस झंडू बाम की शुरुआत थी साधु सीताराम जी कौन से आंदोलन से संबंधित है बिजोलिया आंदोलन से संबंधित है ठीक है चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सबसे अधिक संख्या में थे तो ये तो एक मिनट में आंसर दे दोगे फॉरन से पहले जल्दी जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा बताओ हो। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे ठीक है आ गया होगा इसका आंसर जल्दी 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 डी ठीक है धाकड़ जाती तो आगे चलते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हो गए विजय सिंह पथिक जी बिजोलिया किसान आंदोलन में कब शामिल हुए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1915 16 17 1918 क्योंकि इसके बारे में ना अलग अलग बुक्स में अलग अलग आंसर दिया हुआ है तो हम जो बेस्ट है उसको याद कर लेंगे फिलहाल के लिए बताइएगा अयोध्या से हूं तो वहां का मुझे कुछ आइडिया नहीं है आप गाइड करें अयोध्या रामनगरी से हो आप तो आपको गाइड करें बिना हम कैसे रह सकते हैं तो लक्ष्य बहुत अच्छी बुक है अगर आपका हिंदी मीडियम है तो द बेस्ट बुक है आप उसको फॉलो कर सकते हैं ठीक है थीके? और उसमें जो बोल्ड लाइन में दिए रहते हैं वो सारे फैक्ट्स करके जाना वहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे ठीक है चलो गुड मॉर्निंग मेनका गुड मॉर्निंग इसका क्या आंसर होगा 1916 कब एंट्री मारी थी 1916 में और एंट्री के बाद जो है इन्होंने ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना भी करवाई थी पर वो किसकी अध्यक्षता में बना था मन्ना पटेल की अध्यक्षता में बना था ठीक है लाइट भी चली गई है आज सारे बाम होने हमारे साथ पहली नवंबर को आंदोलन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है दुर्गा प्रसाद चौधरी जी विजय सिंह पथिक हरिभा माणिक्य लाल वर्मा आप इसका आंसर दो लाइट चली गई है बीप साउंड आ रही है इसको बंद कराती हूँ टू टू, -टू, -टू बजता रहेगा ये। ठीक है आंसर दो इसका शाबाश को भी अभी जाना था आ गया आंसर ठीक है बी आंसर विजय सिंह पथिक ठीक है हाँ लाइट इतनी कम क्यों है ये भी ठीक कराऊंगी पता नहीं कुछ एरर है ठीक है आज टीम को दिखाएंगे और ये ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं एडजस्ट कर लो अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है विजय सिंह पथिक जी की कर्म भूमि कौन सी रही है राजस्थान ठीक है और इनका मुख्य नाम मूल नाम क्या रहा है भूप सिंह रहा है तो विजय का मतलब विजयी कौन होते थे पुराने जमाने में राजा होते थे राजा का पर्यायवाची क्या होता है भूप होता है तो उससे याद करो विजय सिंह पथिक जी का मूल नाम क्या है भूप सिंह चलो मूल नाम की जब छिड़िए तो मैं पूछ लेती हूं सवाई मानसिंग का मूल नाम क्या है कोई बताएगा सवाई का मूल नाम क्योंकि कल ही करवाया बच्चों मैंने बताओ शाबाश। से 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 से। मैंने कुछ याद करवाया था जिसके मुकुट में मोर लगा हो उसके ऊपर उसको अपने ऊपर मान होगा ही होगा तो क्या सवाई मानसिंह जी का मूल नाम क्या था मोर मुकुट सिंह ठीक है ये भी साथ साथ याद कर लेना मोर मुकुट सही है चलो अच्छा ये क्वेश्चन भी आएगा जो बड़ी पर्सनालिटीज़ होती हैं जैसा कि मैंने पहले बताया था उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ठीक है हमेशा क्वेश्चन आती है आपके भी जब कोई टीचर फेवरेट होते हैं तो आप और खंगालते हो उनको इंस्टा पे ढूंढते हो फेसबुक पे ढूंढते हो उनके बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन जानने की जिज्ञासा होती है हमारे मन में ठीक है तो सेम चीज जो है वो आरपीएससी के साथ भी है वो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगी जो फेमस पर्सनैलिटीज है उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में तो विजय सिंह पथिक जी का जन्म कहाँ पे हुआ था यूपी के बुलंद शहर में हुआ था क्लियर है याद रख लोगे कहाँ पे हुआ था यूपी के बुलंदशहर में हुआ था ठीक है हां मेरे साथ ही होती है सारी प्रॉब्लम कोई बात नहीं पर हम हार नहीं मानते काम में लगे रहते हैं बिजोलिया आंदोलन के अंदर उनकी सक्रिय भागीदारी की वजह से उन्हें बिजोलिया किसान आंदोलन के पिता या फिर जनक के रूप में जाना जाता है याद कर लोगे विजय सिंह पथिक वास्तविक नाम भूप सिंह और एंट्री मारी बिजोलिया आंदोलन में उन्नीस में उन्नीस सौ सत्रह में मतमन्ना पटेल की अध्यक्षता में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करवाई इन्होंने और इनका जन्म बुलंदशहर यूपी है ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बिजोलिया आंदोलन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ था मतलब बिजोलिया आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम ही मात्र ही पूछ रहे हैं अकबर खान शक्तिदान ठाकुर रामनारायण चौधरी या फिर ताराचंद तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बताइए शाबाश। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा ठीक है क्योंकि मैं तो इसे टारगेट के साथ चलती हूँ भाई मारो राजस्थान पड़ेगा भी और बढ़ेगा भी ठीक है और हर ग्राम पंचायत तक हम पहुँचेंगे आ गई लाइट चलो तो इसका आंसर दे दिया है सी बिल्कुल करेक्ट इसमें ज्यादा कुछ है नहीं राम नारायण चौधरी जी ठीक है रामनारायण चौधरी जी जब इस आंदोलन से जुड़े थे सबसे अड़ी अच्छी बात है बिजोलिया आंदोलन के आखिरी फेज में जुड़े हुए थे और इनके टाइम पीरियड में जो है बिजोलिया आंदोलन जिस वजह से हुआ था वो मुद्दा सुलझ गया था ठीक है तो मुद्दा आखिरकार हल हो गया था उस समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे टी वी राघवाचार्य जी इन्होंने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को इस मुद्दे का निपटारा करने के लिए अपॉइंट किया यानी कि नियुक्त किया ठीक है और इस टाइम पे बिजोलिया आंदोलन के एक प्रमुख नेता और कौन थे माणिक्यलाल वर्मा बाकी सभी कौन थे राम नारायण चौधरी राम नारायण चौधरी जी के प्रयासों से एफर्ट से किसानों को उनकी भूमि लौटाई गई तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बिजोलिया किसान आंदोलन में राम नारायण चौधरी जी का महत्वपूर्ण योगदान दन क्या है तो उन्हीं के प्रयासों से किसानों को उनकी ज़मीनें जो है वो वापस लौटाई गई याद कर लोगे कर लोगे याद गुड मॉर्निंग एवरीवन कर लोगे चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तलवार बंधाई क्या थी पुराने जमाने में हुआ करती थी सैनिकों को, को कोई पुरस्कार दिया जाता था या फिर कृषि का कोई कर था या उत्तराधिकार कर था राजा का बेटा राजा प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री या फिर लड़के की शादी पर लिया जाने वाला कर था बताइए तलवार बंधाई क्या था तो इसका क्या आंसर आएगा शाबाश जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा उत्तराधिकारी बिल्कुल सही उत्तराधिकारी कर था राजा का बेटा राजा जब बनता था ना तो उसका राज्यभिषेक किया जाता था तलवार वगैरह बंधाई जाती थी तो और मतलब राजा का बेटा राजा बन रहा है पैसे किससे वसूल रहे हैं कर किससे वसूल रहे हैं प्रजा से ठीक है शोषण किसका हो रहा है प्रजा का हो रहा है तो ये क्या था एक तरह का उत्तराधिकारी कर था ठीक है तलवार बंधाई कर ठीक है कब आया था ये 1906 के अंदर आया था इसको इंसल्टिंग टैक्स भी बोला जाता है इसको क्या बोलते हैं अपमानजनक कर भी इसको बोला जाता है ठीक है कौन लेकर के आया था ठाकुर पृथ्वी सिंह इस कर को इसको लेकर के आए थे ठाकुर पृथ्वी सिंह ये भी क्वेश्चन पूछ लेंगे किसके द्वारा लगाया गया ठीक है ठाकुर पृथ्वी सिंह ठाकुर कृष्ण सिंह इन्होंने लोगों का जीना बड़ा हराम किया हुआ था उस समय पर कुंटा प्रथा क्या है कुंटा प्रथा भी भूमि पर कर लगाया जाता था बिजोलिया ठिकाने के अंदर ज्यादा प्रचलित थी ये कुंटा प्रथा ठीक है तो क्वेश्चन आ सकता है कुंटा प्रथा क्या है कहां पे फेमस है तो ये एक प्रकार का भूमि कर है और जो कि बिजोलिया ठिकाने में लगाया जाता था ठीक है चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हाँ अच्छा एक और पॉइंट रह गया तलवार बंधाई करके बाकी राज्यों में क्या क्या नाम थे इसी तरह के कुछ कर लगाए जाते थे एक बोलते थे हुक्मनामा एक बोलते थे नजराना एक बोलते थे कैद खालसा और एक बोलते थे पेशकशी ठीक है तो ये आप याद कर सकते हो हुक्मनामा नजराना कैद खालसा और पेशकशी और एक खालसा जो है वो अलग होता था ठीक है खालसा जो भूमि होती थी मतलब किसको बोलते थे आपको पता है पुराने ज़माने में उसको बोलते थे जो डायरेक्ट मुगल राजा के कंट्रोल में आती थी थी। तो उस भूमि का जो कर होता था वो सीधा मुगल राजा के पास जाता था ना कि राज्य के कोष में ठीक है तो खालसा भूमि और उसको खिलाफ जो है हमारे राजाओं ने उसको खत्म करने के लिए काफी सारे प्रयास किए भी ठीक है चले तो चवरी कर क्या है कस्टम ड्यूटी है बेटी की शादी पर लगाया जाने वाला कर है उत्तराधिकार कर है या फिर ये कृषि कर है तो इसको हम क्या बोलेंगे बताइए राष्ट्रपति चयन जैसे हम नजराना मारवाड़ में बोलते थे ठीक है ठीक है बताइएगा शाबाश इसका क्या आंसर आएगा चले इसका आंसर जानने से पहले आपको मैं बता दूं आज रात को नौ बजे अन अकेडमी के लर्निंग एप पे फ्री इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो रही है एमसीक्यू क्लासेस जिसमें आपका टेस्ट रहेगा नौ बजे दस बजे दोनों टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं तो वो सब देने के लिए आपको आना है ठीक है और कहां पे होगा छोटा सा अपडेट दे देती हूँ आप सबको ठीक है और फिर हम अपने इस चवरी कर पे वापस आएंगे ठीक है तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी अन अकेडमी के लर्निंग एप पे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पे जाके आप अन अकेडमी का लर्निंग एप डाउनलोड कर सकते हो अगर ऑलरेडी डाउनलोड है तो मेरे प्रोफाइल पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो ऐप डाउनलोड करें स्टेट पी में आरपीएससी कैटेगरी सेलेक्ट करें तरुणा शर्मा सर्च करें मेरी कैटेगरी आपको मिल जाएगी रात को नौ बजे और दस बजे क्या मिलेगी आपको फ्री लाइव क्लासेस और अगर आप थ्योरी कोर्सेज करना चाहते हैं तो अभी प्लस पे कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं टी का कोर्स है इसमें मेरा कोर्स आ रहा है मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाने वाली हूं ठीके? इसके अलावा जो है हमारा रीट मीनस लेवल वन रीट मीन के देखो बैक टू बैक तीन कोर्सेज आगे आप लोगों के लिए लेवल वन, लेवल सोशल स्टडीज ठीक है और लेवल लेवल टू साइंस एंड मैथ्स ठीक है तो ये सारे कोर्सेज के लिए ठीक है और आर एस का कोर्स है अचीव आर एस इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में विजय और सक्षम आर एस तो ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं अब जब आप प्लस ज्वाइन करोगे तो आपको थ्योरी क्लास तो मिलेगी ही साथ में आपको नोट्स भी मिलेंगे टेस्ट सीरीज भी मिलेगी ये सारी बेनिफिट और हमारी मेंटरशिप गाइडेंस तो है ही तो ये सारी चीजें मिलने वाली हैं अब आपको आप पूछोगे मैम सब्सक्रिप्शन कौन कौन से लेने हैं देखिए अगर तो आप अगर तो आप सीई टी आर एस और आर ओ की तैयारी कर रहे हो बच्चों तो फिर तो आर का सब्सक्रिप्शन लेना है तीन महीने से लेकर एक साल तक के प्लान है दो साल तक के ये आप ले सकते हो साढ़े तीन हज़ार से साढ़े सात आठ हजार रुपये तक के इसके प्राइसेस है ठीक है लेकिन अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो और ये लेवल वन लेवल टू मेन्स वाले आपको कोर्सेज चाहिए तो रीट का सब्सक्रिप्शन ही लेना पड़ेगा जिसका प्राइस बहुत सस्ता है ढाई हज़ार से तीन हजार रुपये तक की रेंज में ठीक है और इनके अंदर आपको 10 प्रतिशत डिस्काउंट मिले इसलिए आप कोड लगा लीजिएगा तरुना लाइफ ठीक है तरुणा लाइफ कोड लगा लीजिएगा बिना कोई स्पेस दिए और अन अकेडमी की बाकी सारी कैटेगरीज में भी अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है नीट में बैंकिंग में यूपीएससी में तब भी आप तरुणा लाइव कोड लगा के डिस्काउंट तो मिलेगा आपको साथ में मेरी गाइडेंस भी आपको मिलेगी ठीक है तो चलिए ये छोटा सा अपडेट आपको देना था कोई डाउट हो प्लस के रिगार्डिंग तो आप मुझसे यहां पे पूछ सकते हो ठीक है चले स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए गुड मॉर्निंग एवरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग शाबाश बहुत ही बढ़िया ठीक है चवरी कर क्या था बेटी की शादी पर कर लगाया जाता था ये मतलब इतना अत्याचार किया जाता था ना कि क्या ही बताए ठीक है बेटी की शादी पर लगने वाला कर एक तो बेटी की शादी एक तो वो वैसे ही बेचारे के ऊपर इतना ज्यादा बोझ दहेज और ये और वो चलता था ऊपर से ये ठाकुर ने चवरी कर भी लगा दिया था इसको विवाह कर भी कहते हैं ठीक है इसको विवाह कर भी कहा जाता है कितने रुपए लगाया जाता था यह भी क्वेश्चन आता है पांच रुपए लगाया जाता था ठीक है एक व्यक्ति से एक परिवार से कितना पांच रुपए चवरी कर जो है वो लगाया जाता था ठीक है चले आगे देख लेते हैं ये कब लगा ये 1903 में लगा चवरी टैक्स जिसको वैवाहिक कर बोलते हैं ये राव कृष्ण सिंह ने लगाया ठीक है तलवार बंधाई पृथ्वी सिंह ने ठीक है और चवरीकर जो है वो ठाकुर कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया कृष्ण सिंह इतना ज्यादा अत्याचारी था इसने कितनी तरह के टैक्स लगाए थे लोगों के ऊपर जरा देखो चौरासी प्रकार के ठीक है तो इसको चौरासी लाख योनियों के बाद जो मानव अवतार मिला मानव जन्म मिला इसने बर्बाद कर दिया लोगों को तबाह करने में ऐसे आप इसको याद कर सकते हो कि राव कृष्ण सिंह ने कितने प्रकार के टैक्सेस लगाए थे चौरासी प्रकार के टैक्सेस लगाए थे तो आप कभी भूलोगे नहीं ठीक है तो एक तो ये हो गया चौरासी लाख यूनियो वाला चौरासी प्रकार के टैक्स लगाए एक और क्वेश्चन बताती हूँ आपको चौरासी से ही रिलेटेड एक रुपए ठीक है ये क्या है चौरासी लाख रुपए ये मत्स्य संघ की वार्षिक आय है इसपे भी क्वेश्चन आता है ठीक है तो ये क्या है मत्स्य संघ की मत्स्य की स्पेलिंग देख लेना गलत लिखी हो तो माफ कर देना ठीक है मत्स्य संघ की एनुअल इनकम वार्षिक आय ठीक है तो ये भी क्वेश्चन आता है तो चौरासी से रिलेटेड हमने दो पॉइंट किए हैं राव कृष्ण सिंह ने चौरासी तरह के टैक्सेस लगाए पहला पॉइंट दूसरा मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी वार्षिक इनकम कितनी थी एक लाख रुपए ठीक है क्लियर है सबको याद कर लोगे बताइए याद कर लोगे वनपाल में ओबीसी की सीट नहीं है तो मैं एग्जाम दू या नहीं इसका कोई आंसर दे सकते हैं प्रिया की जो क्वेरी है डाउट है प्लीज़ बताइएगा ठीक है ये पेपर दे सकते हैं या नहीं वो वनपाल वाला पूछ रहे हैं ठीक है थीके? तो चले चवरी टैक्स क्या था अब इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो आंसर बता दो ठीक है बच्चा क्वेश्चन है क्योंकि मैंने इसका आंसर ऑलरेडी बता दिया आपको शाबाश मजा आ रहा है पढ़ने में एंजॉय कर रहे हो पढ़ने को तो वो हाई फाई वाला इमोजी भेजो मुझे ठीक है ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को मजा आ रहा है पढ़ने में कल कोशिश करूंगी मारवाड़ जो हमारा डायनेस्टी है उसके एमसीक्यू स्टार्ट कर दे बड़े अच्छे क्वेश्चन है उसके विद एक्सप्लेनेशन आपको कराने वाली हूं ठीक है दे दो एक लर्नर बोल रहे हैं प्रिया एग्जाम आप दे दीजिए एक बार ठीक है एग्जाम तो दे दो एग्जाम तो दे दो ठीक है हाँ दे सकते हैं जनरल क्रॉस करके तो एग्ज़ाम आप दे सकते हो ये जो लर्नर्स हैं हेल्प कर रहे हैं सब प्रिया की थैंक यू सो मच ठीक है ठीक है चले तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी चवरी टैक्स कृष्ण सिंह ने लगाया था पांच रुपए अब वहां पेपर में कंफ्यूजन नहीं होना चवरी टैक्स को लेकर ना बड़े डाउट है कई तो कहते हैं कृष्ण सिंह ने अपनी बेटी की शादी में लगाया और कई कहते हैं आम जनता की जब भी बेटी की शादी होती थी तब भी टैक्स लगता है ठीक है तो दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन तो कहीं नहीं आएगा यहां पर हमारा मुद्दा सोल्व हो जाता है कृष्ण सिंह देख के और पांच रुपए देख के तो पेपर में कंफ्यूज नहीं होना चवरी टैक्स क्या था आंसर निकालना है बेस्ट आंसर ठीक है तो आंसर इसमें हमारा बी हो जाएगा ठीक है कई बार ना पेपर में हम अपने पढ़े हुए पे डाउट करने लग जाते हैं तो वो चीज नहीं करनी पहले से तैयार होके जाएंगे हम ठीक है चले अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के महाराणा ने भूमि राजस्व और भिखारी मतलब ये जो बेगार होती है ठीक है ये क्या बोलते हैं इसको बेगार समझ गए ना ये भिखारी नहीं आएगा बेगार आएगा बेगाड़ से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए किसे राजस्व अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया था जाकिर हुसैन हामिद हुसैन नादिर हुसैन या फिर कोई भी नहीं बताइए इसका क्या आंसर आएगा गुड मॉर्निंग प्रदीप गुड मॉर्निंग थैंक यू मेन थैंक यू हाँ मैं चाहती हूँ रट के जाओ चीजों को घोट के पी के जाओ ठीक है चीजों को रात को सोते को जगा के पूछे आपको आंसर्स आने चाहिए जो पढ़ो उसको बेस्ट पढ़ो ठीक है पूरा 100% परसेंट सिलेबस तो पता नहीं कब होगा 80% परसेंट भी अच्छे से याद करके चले जाओगे 80% परसेंट पेपर निकल जाएगा ठीक है शाबाश तो इसका आंसर दे दिया है बी सबने हामिद हुसैन आज ये मारकर उधर चला गया बिल्कुल सही आंसर है ठीक है देखो अठारह में, में क्या हुआ था गांव गिरधरपुर के अंदर गंगाराम धाकड़ की धाकर के मृत्यु भोज के अवसर पर हजारों किसानों ने मेवाड़ के महाराणा के साथ भू राजस्व और बेगार से संबंधित शिकायतों पर खुलकर चर्चा की थी तो उन्हीं को सुनने के बाद लोगों की शिकायतें सुनने के बाद मेवाड़ के जो है महाराणा ने क्या किया था हामिद हुसैन को रेवेन्यू अधिकारी राजस्व अधिकारी जो है क्या किया था नियुक्त किया था सहायक राजस्व अधिकारी नियुक्त किया था ताकि किसानों की समस्याओं का निपटारा हो सके ठीक है तो ऐसा जमींदार किशन सिंह के समय किसानों की आय का कितने प्रतिशत भाग कितने प्रकार के करों के माध्यम से चला जाता था मतलब अब इतने अथा नंबर के टैक्सेस लगाओगे तो बेचारों की सारी इनकम चली जाएगी तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा और एक चीज आती हो तो ये आंसर निकल जाएगा मतलब पूरे टैक्सेस भरने में कितने प्रतिशत इनकम उनकी चली जाती थी बताइए शाबाश आज बीएसटीसी का रिजल्ट आने वाला है अच्छा जिसका भी बीएसटीसी का रिजल्ट आने वाला है सबको ऑल दी बेस्ट हमारी तरफ से ठीक है बताइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा चौरासी तरह के टैक्सेस बताए हैं तो नया पॉइंट अभी याद कर लो सतासी प्रतिशत भाग आय का ये टैक्सेस देने में ही चला जाता था ठीक है तो चौरासी प्रकार के कर और आय का कितने प्रतिशत हिस्सा किसानों का चला जाता था सतासी प्रतिशत ये इसका आंसर हो जाएगा ठीक है चले अठारह चौरानवे में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद कृष्ण सिंह को बिजौलिया का नया जागीरदार बनाया गया उसने ठिकाना संपत्ति और जागीर नीतियों के अंदर बहुत सारे बदलाव किए हमने बताया ना ये क्रूर टाइप का बंदा था इसने चौरासी तरह के टैक्सेस जो है लगा दिए थे ठीक है इतने मजबूर हो गए लोग भीख मांगने को मजबूर हो गए कृष्ण सिंह ने इतने अत्याचार किए लोगों के ऊपर ठीक है अगला क्वेश्चन है राजस्थान में अन्य किसान आंदोलनों के जनक के रूप में किसको माना जाता है मतलब कि एक मॉडल किसान आंदोलन कौन सा बना बाकी किसान आंदोलनों के शुरू होने के लिए ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ठीक है तो क्वेश्चन समझ लेना पहले बताइए जो नए स्टूडेंट है सबका बहुत बहुत वेलकम प्रणाम गुड मॉर्निंग खम्मा घड़ी सबको ठीक है चलो बताओ अब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा सी बिजोलिया हाँ बिजोलिया कोई जनक माना जाता है सारे किसान आंदोलनों का ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक है बिजोलिया किसान आंदोलन राज्य में अन्य किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है ठीक है ये चीज याद रखना सीताराम जी के नेतृत्व में इसको शुरू किया गया था विजय सिंह पथिक जी ने इसको ज्वाइन किया देखो यहाँ पे 1917 लिखा हुआ तो मैंने बताया ना विजय सिंह पथिक जी की एंट्री पे कहीं कहीं 1916 कहीं कहीं 1917 लेकिन ज्यादा एक्यूरेट 1916 है तो 1916 हम लोग याद कर लेंगे किसकी अध्यक्षता में उदयपुर राज्य सरकार ने 1919 में बिजोलिया किसानों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए सुनने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था बिंदुलाल भट्टाचार्य विजय सिंह पथिक कृष्ण सिंह या फिर पृथ्वी सिंह कौन सा कमीशन कौन सा आयोग बिठाया गया था बताइएगा सबसे पहले कौन सा इससे पहले एक और आंदोलन चला था लेकिन मुख्य आंदोलन जो ज्यादा प्रचलित है जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक चला उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन का ही नाम आता है ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुलाल भट्टाचार्य ठीक है बिंदुलाल भट्टाचार्य अच्छा इसने जो अनुशंसा दी थी रिकमेंडेशन दी थी वो किसानों की फेवर की दी थी या किसानों के खिलाफ दी थी बताओ इसका क्या आंसर आएगा बिंदुलाल भट्टाचार्य की जो अनुशंसा, जो रिकमेंडेशन आई थी वो किसानों की फेवर में थी। तो तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया था आयोग ने किसान के लाभों के लिए बहुत सारी सिफारिशों की वकालत की थी लेकिन उदयपुर सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया नहीं दिया तभी तो आंदोलन उन्नीस आगे चल के उन्नीस तक तो खींचा है इतना लंबा समझ गए तो ये आपको याद करना है ठीक है क्लियर है सबको फेवर में थी हाँ लेकिन इन्होंने माना नहीं ठीक है ये आप याद कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास बिजोल कौन सा उपन्यास बिजोलिया किसान आंदोलन पे आधारित है गोदान ईदगाह रंगभूमि और निर्मला बताइए इसका क्या आंसर आएगा हाँ, किसानों के फेवर में थी ठीक है सही चल रहे हैं ना सब कुछ किसी को कोई गड़बड़ कोई डाउट घोटाला ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा डाउट तो नहीं हो रही किसी को बताइए शाबाश तो इसका क्या आंसर आएगा सी आंसर दे दिया है रंगभूमि जी इस साइड क्यों नहीं आ रहे हैं? बार बार उधर ही जाना पड़ हैं रंग भूमि ठीक है तो ये याद रखना रंग भूमि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रतिबिंब है मतलब ऐसे लगता है जीता जागता किसान आंदोलन चल रहा है जब रंग भूमि पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन भी आता आता है किस ग्रंथ को बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रतिबिंब कहा जाता है तो उसमें आपको याद रखना है रंग भूमि कई बच्चे इसमें गोदान कराते हैं पर गोदान नहीं आएगा ठीक है तो आंसर आएगा रंग ठीक है ये तो कुछ नॉर्मल से पॉइंट्स हैं चले अब मैं आपको दूसरे टॉपिक पे एमसीक्यूस करा देती हूँ फ्रीडम स्ट्रगल राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर ठीक है आप सभी अन अकेडमी पे प्लस कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए मेरा रेफरल कोड है मारो राजस्थान परिवार एम आर पी टेन भी यूज़ कर सकते हो और इसके साथ साथ कौन सा तरुणा लाइव दोनों में से कोई भी एक यूज करो चलेगा ठीक है दोनों मेरे ही रेफरल कोड है ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए अगले टॉपिक से ठीक है पहला क्वेश्चन है राजस्थान के उस क्षेत्र का नाम बताइए जिसका संघर्ष अठारह की क्रांति के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है सालुम्बर अव्वा कुशलगढ़ और निम्बराणा तो इसका क्या आंसर आएगा बताइएगा हाँ बिल्कुल सही अववा का जो स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ज्यादा फेमस रहा है तो इसका आंसर आ जाएगा अववा अववा कहाँ पे पड़ता है राजस्थान के कौन से जिले में पड़ेगा अगर आज की हम बात करें तो पाली के अंदर पड़ेगा कहाँ पे पड़ेगा पाली के अंदर बनेगा ठीक है हाँ चलो अववा की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं ठिकाना आजकल कौन से जिले में पड़ता है पाली में अगर रियासत की बात की जाए तो जोधपुर रियासत के अंदर आएगा मारवाड़ वाला क्षेत्र हो गया ना कौन सी रियासत में जोधपुर रियासत में आएगा तो अव्वा युद्ध का जो नेतृत्व किया गया था हमारी तरफ से भारतीयों की तरफ से अठारह की क्रांति में वो किसने प्रोवाइड किया था ठाकुर कुशाल सिंह जी ने किया था ठीक है सैनिक यहाँ पे अव्वा चले गए थे क्रांतिकारियों ने जोधपुर सेना के नायक अनाड सिंह को मार डाला था जोधपुर सेना कौन सी जो कि मारवाड़ के राजा की सेना हुआ करती थी क्योंकि वो किसके साथ होती थी वो ब्रिटिशर्स के साथ होती थी ठीक है तो किसानों ने जो यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने जोधपुर सेना के नायक किसको अनाड सिंह को मार डाला था पैट्रिक लॉरेंस ने जोधपुर की सेना को विद्रोहियों का नृत्य आदेश कहा था ठीक है तो उन्होंने क्या कहा था इसको इंग्लिश में देखते हैं इसको इंग्लिश में अच्छे से समझ में आएगा डांसिंग ऑर्डरलीज ऑफ द रेबल्स तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि जोधपुर ये पैट्रिक लॉरेंस ने कौन से आंदोलन को या कहा की लड़ाई को ठीक है क्या कहा था आ, विद्रोहियों का जीता जागता नृत्य इस तरीके से तो वो किसको कहा गया था अव्वाह वाले सत्तावन के संग्राम को कहा गया था ये बोलना मत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है तो आई होप इसको याद कर लोगे यहां तक क्लियर है सिंह ये सब जो है किससे जुड़े हुए हैं किससे जुड़े हुए हैं हाँ हाँ कुशालों की देवी कुशाल जी की देवी सुगाली माता उनकी लोक देवी जो है कुल देवी सुगाली माता वहीं से उन्होंने इसकी विद्रोह की स्टार्टिंग की थी अठारह के संग्राम की ठीक है तो चलिए अववा के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं जोधपुर सेना के दवेदार कौन थे यहां पे जब अववा का रिवोल्ट हुआ था अववा में विद्रोह हुआ था मोती खान और सूबेदार कौन थे शीतल प्रसाद तो जोधपुर सेना से रिलेटेड तीन व्यक्ति आ गए हैं अनाड सिंह याद करना है आपको दफेदार मोती खान याद करना है सूबेदार शीतल प्रसाद याद करना है और क्रांतिकारियों की तरफ से किसको याद करना है कुशाल सिंह जी को याद करना है यहां तक क्लियर है सबको बताए यहाँ तक क्लियर है बताओ भाई एक्टिव हो जाओ सोना नहीं है कुंफू पांडा नहीं बनना मेरी क्लास में ठीक है अववा जो है मारवाड़ में विद्रोहों का पहला केंद्र था ठीक है कहां पे पड़ेगा जोधपुर के अंदर मारवाड़ के अंदर आजकल कहां पे पड़ता है पाली के अंदर जोधपुर सेना ने 21 अगस्त अठारह को आबू के अंदर विद्रोह किया था नारे के साथ ये सब कहा चले गए थे एरिनपुरा चले गए थे एरिनपुरा कहां पड़ता है पाली में मारवाड़ क्षेत्र में और कौन सा नारा लगाते हुए चले थे चलो दिल्ली मारो फिरोंगी तो ये किसके बारे बारे में है सारी इंफॉर्मेशन अव्वा के विद्रोहों के बारे में है क्लियर है या अव्वा के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में है ठीक है बताओ भाई जल्दी जल्दी बताओ आंसर नहीं आ रहे सबके रिप्लाई नहीं आ रहा मुझे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं राजस्थान की सबसे लंबी छावनी का नाम क्या है नसीराबाद नीमच एरिनपुर या फिर खेरवाड़ा ये खेरवाड़ा आएगा बताइएगा सबसे लंबी छावनी का नाम क्या है शाबाश ठीक है ये आंसर दे दिया है। बिल्कुल सही आंसर है नसीराबाद कहां पड़ता है अजमेर के अंदर पड़ता है ठीक है जो मुख्य कारण था राजस्थान में कि अठारह की क्रांति की शुरुआत हुई ठीक है तो सैनिकों को ये खबर मिली कि ये जो छावनी है ना इसका केंद्र चेंज किया जा रहा है ठीक है तो ये पॉइंट आपको याद रखना है इस वजह से ऐसा हुआ था ब्रिटिशर्स को अंदरूनी खबर मिली थी कि छावनी को उड़ाया जा सकता है या लोगों में विद्रोह होगा हो छावनी के जो सैनिक है वो विद्रोह करेंगे तो ब्रिटिशर्स ने इसका केंद्र जो है वो बदल दिया था तो ये आपको याद रखना है ठीक है नसीराबाद अजमेर तो इसकी हिंदी इस साइड है ठीक है राजस्थान में नसीराबाद छावनी 1857 का विद्रोह यहां से शुरू हुआ था राजस्थान के अंदर अजमेर नसीराबाद से 28 मई 1857 को विद्रोहों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किसके द्वारा किया गया 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा इसका कारण था कि जो छावनी है उसको मेन अजमेर से नसीराबाद के अंदर शिफ्ट कर देना ठीक है मुख्य अजमेर सिटी से कहां पे शिफ्ट कर देना नसीराबाद के अंदर शिफ्ट कर देना याद कर लोगे मंगल पांडे कौन सी छावनी से थे जिन्होंने भारत के अंदर अठारह की क्रांति की शुरुआत की थी उनकी नेटिव इन्फेंट्री का नाम बताएगा कोई उनकी नेटिव इन्फेंट्री का नाम क्या है चौतीसवीं नेटिव इन्फेंट्री ठीक है चौतीसवीं नेटिव इन्फेंट्री लेकिन राजस्थान में जो शुरुआत हुआ उसका नाम है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री याद कर लोगे पंद्रहवीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और ये डेट भी याद करनी है अट्ठाईस मई अठारह ठीक है तो आई होप यहां तक सबको क्लियर है चले आगे चलते हैं ठीक है देखो क्या हुआ था इन्होंने एक अंग्रेजी सेना अधिकारी नंबरों को मार दिया था दिल्ली की और बड़े थे ब्रिटिश अधिकारी वॉल्टर और हीथकोट को इनको को पकड़ने की कोशिश की अठारह के क्रांतिकारियों को नसीराबाद लेकिन वो असफल रहे ठीक है तो ये चीज याद रखना इसका कारण क्या था कि नसीराबाद में हमारे स्वतंत्रता सेनानी विजयी हो रहे थे और ब्रिटिश सरकार फेल हो रही थी उसका संभावित कारण माना जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के जागीरदारों ने नसीराबाद के क्रांतिकारियों को आसानी से अपने क्षेत्र से गुजरने दिया उनको रोका नहीं ठीक है तो ये आपको याद कर सकते हैं तो इससे हमें क्या आइडिया मिलता है कि राजस्थान के जागीरदार और जनसाधारण जो है वो इन सैनिकों के साथ थे उनकी सहानुभूति कहीं ना कहीं इनके साथ थी ठीक है क्लियर है सबको गुड मॉर्निंग एवरी वन है, तो ये सारे एक्सप्लेनेशन क्यों दिया है मैंने क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ चार पांच क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे अगर इनके ऊपर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंसर आजाम से कर रहेंगे, ठीक है तो आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है कौन सा ऐसा विद्रोह है जो जिसकी आवाज ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन यानी भारत में जैसे लोकसभा राज्यसभा है तो वहां पे क्या है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमंस है उसके अंदर सुनाई दी थी ठीक है सीकर विद्रोह की बिजोलिया विद्रोह की बेंगू विद्रोह की या फिर मारवाड़ किसान विद्रोह की तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए वीडियो को लाइक कर दो लाइक नहीं कर रहे आज ऐसे ही बटन प्रेस करने है। बस हो गया लाइक जल्दी से कर दो सीकर बिल्कुल सही तो इसका आंसर आएगा सीकर का विद्रोह ठीक है तो इसका आंसर आएगा सीकर किसान आंदोलन ठीक है राम नारायण चौधरी जी ने तरुण भारत अखबार और डेली हेराल्ड जो कि लंदन में आता था उसके माध्यम से सीकर के किसानों की आवाज को बुलंद किया ताकि ब्रिटेन में बैठी हुई सरकार इसको सुने तो इस मामले पर इंग्लैंड की संसद में चर्चा हुई क्योंकि सीकर के किसानों के मुद्दे पर पैट्रिक लॉरेंस ने इस पर सब पैट्रिक लॉरेंस द्वारा इसमें सवाल उठाए गए थे ठीक है तो सीकर किसान आंदोलन को क्वेश्चन आ जाएगा हाउस ऑफ कॉमन्स में किसने सवाल उठाए इस आंदोलन से संबंधित बहुत अत्याचार हुआ है तो पेट्रिक लॉरेंस आप इसको याद कर सकते हो ठीक है तो क्या आंसर आएगा पेट्रिक लॉरेंस इसका आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक है तो इसका क्या हुआ इसका नतीजा क्या निकला जब ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में कुछ हुआ है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कार्यवाही करनी पड़ेगी तो सीकर के राव राजा ने किसानों की शिकायतों और मुद्दों को देखने के लिए एक आयोग का जो है गठन किया और बाद में किसानों और सरकार के बीच में इसमें क्या हो गया समझौता हो गया ठीक है तो ये इसमें आएगा और राजस्व एकत्रित करने की एक पहले पॉलिसी चलती थी इजारा नीति इस इजारा नीति को क्या कर दिया गया खत्म कर दिया गया तो जब सीकर आंदोलन की आवाज ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमंस में पहुंची तो किसानों के हक में फैसले हुए हैं ये आपको याद करना है ठीक है तो आई होप सबको क्लियर है तो सीकर रेबेलियन अठारह अच्छा अब इसके अंदर व्यक्तियों के नाम भी दिए हुए हैं कि सीकर आंदोलन में नेतृत्व कौन कौन कर रहा था किसानों के तरफ से तो सीकर के ठाकुर जो ये कर रहे थे क्या बोलते हैं डूंगर जी और उनके भतीजे जवाहर जी इनको जो है लोक देवता की तरह पूछा जाता है ये डाकुओं से माल लूट के किसानों की आम जनता की मदद किया करते थे ठीक है और फतेहपुर शेखावाटी के अंदर लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं कौन डूंगर जी और जवाहर जी सीकर आंदोलन से जुड़े हुए हैं ये हमें याद करना है यहां तक क्लियर है सबको चाचा भतीजे बिल्कुल एकदम सही ठीक है चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं डाबी हत्याकांड डाबी की घटना कब हुई थी इसकी डेट पूछी गई है पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आया हुआ है तेईस जून 1922 को अठारह जून 1918 को पच्चीस जून 1930 को या फिर तेईस जून 1926 को आंसर दीजिएगा गरीबों की हेल्प करते थे हाँ उन्होंने नसीराबाद छावनी को भी लूटा क्या बात है सब लोग अपने इन्फॉर्मेशन शेयर हैं वेरी गुड बताइए हेलो मनीषा कितनी देर से आए हुए क्लास में तो इसका आंसर आ गया ए आंसर दिया है तेईस जून उन्नीस ठीक है तो इसका आंसर कहीं कहीं पे बच्चों तेईस जून उन्नीस डी याद कर लो इसका ठीक है इसका सारे बच्चे ए ए आंसर दे रहे हैं पर बहुत सारी किताबों में ये डी दिया हुआ है तेईस जून उन्नीस याद कर लोगे ठीक है इसको याद कर लेना राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे जब जनजातियों से संबंधित जो आधिकारिक कानून थे यानी कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सुना होगा आप सबने ठीक है जरायम पेशावर कानून इन कानूनों को समाप्त किया गया उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे हीरालाल शास्त्री जी टीकाराम पालीवाल जय नारायण व्यास या फिर बरकतुल्ला खान तो इसका आंसर दीजिएगा बताइए ठीक है 26 वाला याद कर लेना कोई बात नहीं कोई बात नहीं स्किप कर दिया वेरी गुड नहीं आता तो स्किप कर दो ठीक है ज्यादातर आंसर बच्चे ए और सी दे रहे हैं हीरालाल शास्त्री या फिर नारायण व्यास ठीक है तो मुझे इसका आंसर ए बी टीकार राम पालीवाल जी थे भाई याद कर लो कौन थे टीकार राम पालीवाल जी देखो मैं बताती हूँ राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे अगर क्वेश्चन आए प्रथम मुख्यमंत्री तो आंसर आएगा हीरालाल शास्त्री जी ठीक है लेकिन अगर क्वेश्चन आए राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री जिनका चुनाव से जो मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है थीके? तो आंसर आ जाएगा टीकाराम पालीवार और जब ये कानून जनजातियों से संबंधित जो मतलब अच्छे कानून नहीं थे इनको खत्म किया गया उस समय मुख्यमंत्री कौन थे टीकाराम पालीवाल जी ठीक है राजस्थान के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन है या मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है तो आंसर आ जाएगा बरकतुल्ला खान ठीक है तो ये सारे पॉइंट्स आप याद कर सकते हो कभी ना कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ठीक है किस राज्य के साथ दुधवा खरा आंदोलन जुड़ा हुआ है बीकानेर अलवर जैसलमेर या फिर भरतपुर बताइए इसका क्या आंसर होगा हाँ प्रथम निर्वाचित हाँ बिल्कुल सही ठीक है शाबाश वेरी गुड ठीक है और प्लस क्लासेस के लिए क्या करोगे सी ई टी आर एस आर ओ रीट के नए कोर्सेज़ आ रहे हैं प्लस को ज्वाइन कर लेना एम आर पी टेन या फिर तरुणा लाइव कोड अप्लाई कर लेना ठीक है और सारे अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना वीडियो लाइक भी कर देना सारे काम कर देना ठीक है तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीकानेर आसान क्वेश्चन है ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बीकानेर उसका आंसर हो जाएगा किस राज्य में किसान विरोधी सुअर आंदोलन 1921 में शुरू हुआ भरतपुर अलवर कोटा और बूंदी जंगली सुअर जो थे ना किसानों की फसलों को तबाह बर्बाद कर जाते थे ठीक है तो सरकार ने क्या किया सुअरों के मारने पर बैन लगा दिया कि भाई आप सुअर नहीं मार सकते जंगली सुअर तो फिर इसलिए किसान आंदोलन हुआ जिसकी फसल खराब हो जाएगी वो तो आंदोलन करेगा ना तो बताइए इसको वाइल्ड बोर मूवमेंट भी बोलते हैं अलवर में हुआ था बिल्कुल करेक्ट है ठीक है अलवर के अंदर हुआ था सुअर किसान आंदोलन ठीक है चलो बिजोलिया के किसानों को एकजुट करने और मुख्य आवाज उठाने एक एकजुट होकर मुख्य आवाज उठाने की सलाह देने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है हरिराम पटेल साधु सीताराम फतेहकरण चारण विजय सिंह पथिक ठीक है तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर आया नहीं अभी तक बताइएगा विजय सिंह ठीक है कोई ठीक है तो मुझे तो सही लग रहा है आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है भाई विजय सिंह पथिक नहीं आएगा साधु सीता राम आएगा वो शुरू शुरू वाले पूछ रहे हैं ठीक है इस क्वेश्चन को याद ही कर लो क्योंकि इसमें आंसर सारे ही लग रहे हैं देखने को तो लेकिन वो पूछ रहे हैं जो शुरुआती दौर में शामिल थे ठीक है किसानों को इकट्ठा होने मुख्य आवाज देने वाले अच्छा नहीं नाम दिया हुआ है पहले व्यक्ति का नाम व्यक्ति का नाम नहीं पहले पे तो फिर समस्या ही सॉल्व हो गई फिर तो साधु सीताराम ही आएंगे क्योंकि विजय सिंह पथिक तो उन्नीस में एंट्री मारी थी तो इसका आंसर बी आएगा बी दिया है क्या आप सबने बी डी जो भी है याद कर लो ठीक है हाँ साधु सीताराम इसका आंसर आएगा राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकनायक किसको कहा जाता है हीरालाल शास्त्री जयनारायण व्यास गोकुललाल या फिर हरिभान उपाध्याय जी को हरिभा उपाध्याय जी को यह पटवारी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है बताइएगा शाबाश जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा ठीक है चलो लोकनायक तो पता होगा मेरे ख्याल से इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है बी आंसर दिया हरिभा उपाध्याय नहीं, नहीं 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 सी आएगा जय नारायण व्यास जी को बोलते थे है ना भाई किसको बोलते थे जय नारायण व्यास जी यहाँ पे इमेज भी है आप इमेज भी देख सकते हो ठीक है चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं बिना देरी किए उन्नीस सौ में पुनर्गठित जयपुर प्रजामंडल जो बनाया गया था जयपुर प्रजामंडल दो बार बनाया ना 1931 और 1936 सौ तो जब दूसरी बार बना तो इसके प्रमुख कौन थे कर्पूर पाटनी जी जमुना लाल बजाज चिरंजी लाल मिश्र या फिर हीरा लाल शास्त्री जी बताइएगा शाबाश इसका क्या आंसर आएगा जयनारायण व्यास जी को लोकनायक की उपाधि दी गई है यस कल हमने राजाओं की उपाधि पढ़ी थी राज राजेश्वर महाराज धीराज प्रभास सूर्य आदि वरा याद है सारी जो कल पढ़ी थी आई होप सबको याद होगी नहीं याद हो तो पिछली क्लासेस जाके देख लीजिएगा ठीक है जमुना बजाज नहीं नो 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 चिरंजी लाल मिश्र आएगा शायद तो क्योंकि 1931 वाले में मेरे ख्याल कर्पूर चंद पाटनी थे और छत्तीस सैंतीस में चिरंजी लाल मिश्र चलो इसका आंसर चेक कर लेते हैं मुझे तो सी लग रहा है लेट्स चेक इट हाँ तो इसका आंसर है चिरंजी लाल मिश्र जी ठीक है अब हमें क्या होगा बच्चों को जयपुर प्रजामंडल उन्नीस और उन्नीस सौ दो बार बना पेपर में कंफ्यूजन हो जाता है अगर पक्का पक्का रट के नहीं गए कि कौन से वाले में कौन सा था तो देखो जब पूजा की शुरुआत करते हैं याद करो कपूर से करते हैं तो 31 वाला जो पहले वाला है जब कपूर से भगवान की पूजा कर दोगे तब भी तो चिरंजीवी चिर आयु होने का आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं तो ऐसे याद करो तो जो पहले जयपुर प्रजामंडल बना 1931 पहले हम पूजा करेंगे तो उसके प्रमुख कौन थे कर्पूर चंद पाटनी जी कपूर से पूजा करेंगे ऐसे याद करना है जब दूसरी बार बना तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया खुश होके तो उन्नीस सौ छत्तीस में जो बना उस समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे प्रमुख कौन थे चिरंजी लाल मिश्र जी थे याद कर लोगे और कल कपूर से रिलेटेड दो फैक्ट पढ़े थे ठीक है एक यहाँ पे कपूर पढ़ लिया है उन ये क्या बोलते हैं इसको कपूरचंद पाटनी जी एक कल हमने पढ़ा था रणकपुर प्रशस्ति ठीक है रणकपुर प्रशस्ति मैंने ये भी कपूर से याद किया था करवाया था आपको रणकपुर कपूर से पूजा करेंगे दीपक जलाएंगे रण में विजय प्राप्त करने के लिए तो ये किसके द्वारा लिखी गई है दिपाक के द्वारा लिखी गई है ठीक है और एक और किया था कपूर से क्या किया था कर्पूर मंजरी साहित्य ठीक है जब पूजा करके दीपक जला लोगे कपूर का तो विजय तो होगी राज तो हमारा ही होगा फिर तो याद करो कर्पूर मंजरी जो साहित्य है वो किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों राजशेखर जी के द्वारा लिखा गया है तो कपूर से रिलेटेड तीन आ गए, तीनों एक साथ याद कर लो याद करने में मजा आएगा ठीक है याद कर लोगे, बताओ। कर लोगे याद या नहीं आसान लग रही है पढ़ाई मुश्किल तो नहीं लग रही पढ़ाई पढ़ाई मुश्किल नहीं है आसान है पढ़ना आना चाहिए पंचिड़ा नामक लोक जो लोकप्रिय लोकगीत है इसमें तुलना करने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या है मतलब ये गीत किन्ों ने लिखा है वही भूल रहे हैं पंचिड़ा नामक लोकगीत में विजय सिंह पथिक हीरालाल लाल शास्त्री माणिक्यालाल वर्मा या फिर जय नारायण व्यास तो ये लोक गीत जो है किसके द्वारा लिखा गया है पंचड़ा बताइएगा हेलो निशा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई सबको गुड मॉर्निंग रोज होती है क्लास हाँ जी जी हाँ साढ़े नौ बजे के करीब ठीक है सवा नौ साढ़े नौ बजे डेली होती है ठीक है चलो शाबाश सी आंसर दे दिया है बिल्कुल करेक्ट डी नहीं आएगा रोहित इट्स नॉट डी नहीं नहीं ठीक है ये लोकगीत है माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा लिखा गया पंछिड़ा लोकगीत ठीक है इसको याद करो माणिक्यालाल वर्मा जी ठीक है पंचिड़ा ठीक है और ये जो लोकगीत है ना अच्छा चलो एक और बात बताते हैं इसके से रिलेटेड मुझे याद आ रही है जब ये लोकगीत गाया जाता है ना पंचिड़ा तो देखो पंचिड़ा ठीक है बहुत सारे ग्रुप है पंछी का वो जूबी डूबी वाला गाना देखा है थ्री इडियट्स वाला शाखों पे पत्ते गा रहे हैं पक्षी उड़ रहे हैं पता नहीं क्या क्या वो ऐसा ऐसा कुछ गाना है तो उसमें याद करो जब पंचेड़ा लोकगीत गाया जाता है दो तीन वाद्य यंत्र साथ में बजाए जाते हैं ठीक है ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और कौन कौन से मुझे जहां तक याद है एक तो अलगोजा ठीक है अब जितना याद आ रहा है उतना बता रही हूँ क्रॉस चेक कर लेना ठीक है अलगोजा ढोलक शायद से और मंजीरा ठीक है शायद ये जो है वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं तो ये भी एक क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आता है ठीक है इसको लेकिन हम क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे जब मैं लोकगीत पे एमसीक्यूज आपको कराऊंगी ठीक है तो ये चीज है चलो इस साइड आ गया थैंक गॉड लास्ट में आए सेशन के 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी मद्य राम वैद्य जमुना लाल बजाज हीरा लाल शास्त्री या गोकुल भाई असावा साल क्यों लिखती है बताइए इसका क्या आंसर होगा मनोज मीना पहली क्लास है वेलकम टू आवर क्लास आपका घड़ों घड़ों अभिनंदन थाई सारों को ठीक है और रोज़ इसी क्लास में आना है ताइसारों को पधारना है और हाँ रात को नौ बजे दस बजे इंडियन हिस्ट्री की राजस्थान पॉलिटी की फ्री टेस्ट सीरीज़ के लिए जिसमें आपको स्कोर भी दिखेगा जिसमें आपको अपनी रैंकिंग भी पता चलेगी सबको आना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अन अकेडमी के लर्नर ऐप पे ठीक है मेरी क्लास होगी रात को नौ बजे दस बजे स्पेशल क्लास फ्री क्लास है वो उसके कोई पैसे नहीं लग रहे थ्योरी कोर्सेज जो है वो एम आर पी टेन कोड लगा के आप ज्वाइन कर सकते हो चलो रोहित की भी फर्स्ट क्लास है सबकी फर्स्ट क्लास है आज चलो भाई बहुत बढ़िया फर्स्ट नवंबर को फर्स्ट क्लास नई नई क्लास लगाई है आज आपने है ना तो आई होप इस क्लास से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए बस ठीक है तो इसका आंसर आ गया है मध्य राम वैद्य जी ए आएगा इसका आंसर डी कौन लिख रहे हैं डी नहीं आएगा मध्य राम वैद्य जी और कहां पे की गई थी राजस्थान में नहीं हुई थी कोलकाता में की गई थी ठीक है कहाँ पे की गई थी कोलकाता के अंदर की गई थी और सिरोही प्रजा मंडल की कहाँ हुई थी भाई इसकी मेरे ख्याल मुंबई में हुई थी बॉम्बे में है ना मुंबई मुंबई कैसे लिखते हैं कई बार मैं हिंदी में लिखना ही भूल जाती हूँ बॉम्बे लिख देते हैं हम बॉम्बे लिखना ज्यादा आसान है ठीक है और ये कई जगह पे 1933 दिया मिलता है कई जगह पे 1934 दिया मिलता है ठीक है ऐसा चलो ठीक है ये आपको याद रखना है मद्य राम वैद्य जी जो हैं इसके अध्यक्ष थे बीकानेर प्रजा मंडल में लक्ष्मण दास स्वामी जी का भी अहम योगदान था इसकी स्थापना में 1942 में जब ये दोबारा मतलब रीऑर्गेनाइज हुआ तब ये किसके एफर्ट से बनाया गया रघुवर दयाल गोयल जी के एफर्ट से तो आपको याद करना है उन्नीस में बाबू रघुवर दयाल गोयल जी के एफर्ट से बीकानेर प्रजामंडल बनाया गया याद कर लोगे उन्नीस सौ छत्तीस साल बाद पुनर्निर्माण पुनर्गठन ठीक है हेलो महिपाल वीडियो में सिलेक्शन हो गया वाह वाह क्या बात है बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया मैं तो चाहती हूँ सारे लर्नर्स के सिलेक्शन हो जाए बहुत बहुत अच्छी बात है कॉन्ग्रेचुलेशन्स ठीक है वेरी गुड ठीक है चलो देखो अब बाकी सारे सब्जेक्ट की क्लास पूछोगे मुझे पता नहीं चलेगा वो स्केड्यूल दिया होता है ना कि इसमें ये क्लास है इसमें ये क्लास है उसमें जाके देख लो ठीक है देख लो प्लीज मेरे को सच में नहीं पता होता मुझे किसकी क्लास कब लग रही है उस क्योंकि अपना ही नहीं पता होता दूसरों की चीजें तो तब देखे तो आप लोग ढूंढ लो अपकमिंग क्लासेस में आपको सारी क्लासेस दिख जाएंगी अन अकेडमी के लर्निंग एप पे आना मत भूलना वहां सारी क्लासेस होती है उस स्थान का नाम बताइए जहां अठारह की क्रांति की शुरुआत हुई थी बच्चा क्वेश्चन है फॉरन से पहले आंसर दे दो ठीक है बच्चा क्वेश्चन जल्दी जल्दी आंसर इसका आ जाना चाहिए शाबाश ए आंसर दे दिया पुष्प सैनी बिल्कुल सही एकदम सही नसीराबाद से हुई थी नसीराबाद कहाँ पड़ता है अजमेर में पड़ता है डेट भी बता दो 28 मई अठारह तो सबसे पहले कौन से ब्रिटिश अधिकारी का नंबर आया जिसको क्रांतिकारियों ने मार डाला तो किसका नंबर आया नंबरों को ही मार दिया ऐसे याद करो आसानी से याद हो जाएगा न्यूमेरो बोलते हैं ठीक है थीके? तो फटैक से आपको याद हो जाएगा चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मारवाड़ के गांव में ठाकुर का नाम बताओ जिन्होंने अठारह की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो बच्चे बच्चे को यह आंसर आता है तख्त सिंह कुशाल सिंह आनंद सिंह और भक्त सिंह बताइए तो सबको आता है सबको आता है शाबाश अरे कोई बताओ मैं क्या ब्लॉक हूँ मेरे कमेंट्स नहीं आ रहे आ रहे हैं भाई जेपी सिंह राठौड़ आपने ऐसा क्या लिख दिया जो आपको ब्लॉक किया जाएगा नहीं नहीं ब्लॉक सिर्फ उसी को करते हैं जो उल्टे पुलटे कॉमेंट्स करते हैं ठीक है थीके? आ रहे हैं कॉमेंट्स आ रहे हैं भाई ठीक है खुश हो जाओ सबके कॉमेंट्स आ रहे हैं इसका आंसर है खुशाल सिंह जी अवा के ठाकुर अव्वा के ठाकुर और इनकी कुल देवी लोक देवी कौन है सुगाली माता ठीक है कुशाल सिंह चंपावत इमेज देख लो भाई इनका इमेज देखना बहुत ज़रूरी है अठारह की क्रांति में राजपुताना के नायक ठीक है कुशाल सिंह जी याद कर लोगे जोधपुर रियासत में अव्वल ठिकाने के ठाकुर ये तो मैंने बताई दिया है ठीक है चलो आगे चलते हैं अच्छा ये पूरा का पूरा युद्ध आ गया अच्छा करा दूँ ये भी डिटेल इसकी हिंदी भी है क्या एक मिनट नहीं इसकी हिंदी नहीं है चेलावास का युद्ध हुआ था ये पाली में 18 सितंबर अठारह को ठीक है 18, 18 18 18 सितंबर 1857 को इसमें कुशाल सिंह जी शिवनाथ जी की जो हमारी भारतीयों की साइड पे थे हम जीत गए थे और ब्रिटिशर्स इसमें हार गए थे तो चेलावास का युद्ध याद रखना इसमें भारतीयों की जीत हुई थी ब्रिटिशर्स की हाथ हुई थी ठीक है हमने उनको अपना चेला बना लिया ऐसे आप इसको याद कर सकते हो ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन लड़ रहा था एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस मोट मेसन इसमें मार दिया गया था मोक मेसन कौन था जोधपुर का राजनीतिक एजेंट था ठीक है याद कर लो इसको मूक कर दिया सदा सदा के लिए ठीक है तो ये आप याद कर सकते हो तो अव्वा पाली से रिलेटेड युद्ध का नाम क्या है चेलावास का युद्ध ठीक है अक्टूबर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सब सही चल रहे हैं यहां तक गोरो कालो का युद्ध भी इसको बोलते हैं हाँ उसको लेकर बिना हाँ सुगाली माता चौवन भुजाओं वाली बिल्कुल सही कह रहे हो एकदम करेक्ट अक्टूबर अठारह के विद्रोह में कोटा में ब्रिटिश का पॉलिटिकल एजेंट कौन था ब्रिटिशर्स का राजनीतिक एजेंट कितना आसान है ये तो जॉर्ज लॉरेंस पैथिक पैट्रिक लॉरेंस मेजर बर्टन और रिचर्ड ये बच्चे बच्चे को आता होगा ये ना सुपर डुपर स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर हज़ार दफ़ा क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा दे दिया आंसर सी मेजर बटन बिल्कुल सही इसका क्या आंसर हो जाएगा मेजर बटन तो कुछ बच्चे इसको याद करते हैं पे बटन लगे हुए होते हैं है है ना ये निमोनिक बना है ना ये बना रखा सबने तो वैसे ही याद कर लेना चलो बागड़ देश के गांधी के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है भोगीलाल पांड्या हरिदास जोशी मोतीलाल तेजावत माणिक्यलाल वर्मा बागड़ के गांधी के रूप में किसको जाना जाता है बताइए हाँ लाला जयदयाल एडवोकेट जयदयाल और मेहराब खान भारत की तरफ से स्वतंत्रता सेनानियों में से थे है ना कोटा के अंदर हाँ ठीक है तो इसका आंसर आ गया भोगीलाल पांड्या जी को ठीक है किसको कहा जाता है बागड़ क्षेत्र के गांधी भोगीलाल पांड्या जी को ठीक है ठीक है ये हो गया राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट जी को कहते हैं गांधी जी के पांचवे बेटे जमुनालाल बजाज जी को कहते हैं तो ये कुछ और गांधी है जो आपको याद करने हैं एक और गांधी मिसिंग है इसमें है ना एक बागड़ के गांधी आ गया राजस्थान के गांधी जी के पांचवें बेटे एक और चीज मिसिंग मेरे को लग रहा है गांधी के ऊपर ही एक और क्वेश्चन बनता है ठीक है तो ये सारा याद कर लीजिएगा तो ये हमारा आज का सेशन था कैसा लगा भाई सेशन बताओ जरा सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर आज रात को नौ बजे दस बजे इंडियन हिस्ट्री के टेस्ट के लिए राजस्थान पॉलिटी के टेस्ट के लिए अन एकेडमी के लर्निंग ऐप पे आना वहाँ पे आपको अपनी रैंकिंग भी पता चलेगी और आपको अपना स्कोर भी पता चलेगा पता चलेगा कितनी तैयारी है कितनी तैयारी और करनी है और थ्योरी क्लासेस के लिए अन एकेडमी के लर्निंग ऐप पर आर को प्लस ज्वाइन कर लो रीट के लिए रीट वाला सब्सक्रिप्शन लेना है सीई टी आर के लिए आर वाला सब्सक्रिप्शन ठीक है क्लियर है सबको कल हम एक अच्छा सा टॉपिक रखेंगे मैं कोशिश करूंगी किसान आंदोलन और उसके साथ साथ जो है क्या कहते हैं उसे हिंदी में मारवाड़ डायनेस्टी पे क्वेश्चन आपको करा दूं ठीक है मारवाड़ राजवंश के करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन तरुणा लाइव कोड लगा लेना या एम आर पी टेन भी चलेगा दौड़ेगा ठीक है आर पी एस सी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा और रीट का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा अभी ये क्लासेस लाइव क्लासेस चल रही हैं ठीक है थीके? तो आई होप सबको समझ आया होगा ठीक है तो ठीक है चलो क्या क्या लिखते रहते हो बच्चों ठीक है तो आपका मंगलवार है आज आपका मंगलवार नया नया नवंबर महीना मंगल में ही हो और कल मिलती हूँ सुबह आपसे रात को अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पे प्लस क्लासेस में आप लोग मुझे मेरी सारी क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे और अपनी नॉलेज एनहांस कर पाएंगे ठीक है तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लासेस में सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम